नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 24 प्लस और आप सभी को इस साल 2022 की जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं समाचार 24 प्लस की पूरी टीम की ओर से। इस वक्त मैं मौजूद हूं शांति रतन फाउंडेशन छतरपुर ब्रांच में, जहां पर आज किशन जी का जन्मोत्सव यानी जन्माष्टमी 2022 का बड़ी धूमधाम से आयोजन किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर जो कि एक एडिक्ट है कविता, उसका आज फर्स्ट रिकवरी बर्थडे है। लगातार रिकवरी बर्थडे इंद्रजीत जी के द्वारा, जो कि यहाँ के फाउंडर हैं और वाइस प्रेसिडेंट विपिन सचदेवा के द्वारा शांति रतन फाउंडेशन में रिकवरी बर्थडे हर किसी पेशेंट का मनाया जाता है, चाहे कितने भी वर्ष हो। कविता जी को आज पहला साल हुआ है उनको नशा छोड़े हुए और उनका आज रिकवरी बर्थडे भी मनाया जाएगा और जन्माष्टमी का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस टाइम मथुरा वृंदावन में बहुत ज़्यादा धूमधाम से मनाया जा रहा है और लगातार भीड़ है वहाँ पर, माहौल ऐसा है क्योंकि किशन जी का वहाँ जन्म स्थान है, जन्मभूमि है। उसी सबको ध्यान में रखते हुए 12 बजते ही यहाँ पर इंद्रजीत जी के द्वारा और शांति रतन फाउंडेशन की पूरी टीम के द्वारा यहाँ पर केक कटेगा, किशन जी का जन्मदिन मनाया जाएगा, फूलों की वर्षा होगी और इस साल की जन्माष्टमी किस तरीके से शांति रतन फाउंडेशन मनाता है दिखाएगा आपको समाचार 24 प्लस। मैं कविता एडिक्ट, शांति रतन फाउंडेशन में यहाँ पे मेरा एडमिशन हुआ था, आज भी मैं एक एडिक्ट ही हूँ। और नशा छोड़ने के बाद मेरी लाइफ ना बहुत बहुत चेंज हो चुकी है। पहले क्या थी, अब मैं क्या हूँ, आज देख रही हूँ अपने आप में चेंजेस, लोग पहचान रहे हैं, जान रहे हैं। थैंक्स टू ऑल, थैंक्स टू इंद्रसेन विपिन सर, मुस्कान दी, जो भी मेरे साथ रहे उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। पहले के हिसाब से आज मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो चुकी है, कोई डिफ़िकल्टी इतनी नहीं है, है लेकिन इतनी नहीं है। एटलीस्ट मैं अपनी लाइफ को बिना नशे के जी पा रही हूँ, समझ पा रही हूँ इमोशन से मेरे अंदर। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरा नाम मुस्कान है, मैं शांति रतन फाउंडेशन का ही एक पार्ट हूँ, फीमेल वार्ड संभालती हूँ यहाँ पर। इंद्रजीत सिंह यहाँ के डायरेक्टर हैं और यह हमारे यहाँ से एक बच्ची आज ही एक साल अपना पूरा किया है उसने, उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत सारे रॉक बॉटम से वो निकली है, काफ़ी कुछ उसने फेस किया लेकिन वो सब फेस करके एट दी एंड आज उसने एक साल पूरा कर ही लिया है और आगे भी जिस हिसाब से उसकी ग्रोथ है वो आगे बढ़ती रहेगी। मेरी ब्लेसिंग्स उसके साथ है हमेशा, भगवान करे वो भगवान उसके साथ रहे हमेशा। और सेकंड थिंग कि हम लोग आज पहली बार जन्माष्टमी सेलिब्रेट कर रहे हैं शांति रतन फाउंडेशन के अंदर। हमारा मोटिव यही रहता है कि सभी नशेबाजों को वो जो ज़िंदगी वो लोग जी रहे थे नशे के साथ, इन्जॉय करना, नशे में ही नाचना और नशे में ही गाना सिर्फ, तो हमारा मोटिव रहता है हर त्यौहार को सेलिब्रेट करके उनको ये सिखाएँ और दिखाएँ कि वो नशे के बिना इन्जॉय कर सकते हैं अपनी लाइफ। ये आज हम शांति रतन फाउंडेशन में भगवान कृष्ण कन्हैया, जिसे हम कान्हा भी कह सकते हैं और इस जगत को रचने वाला कहते हैं, उनका जन्मदिन मना रहे हैं बेसिकली। लेकिन एक और खूबसूरत बात है, इसी सेंटर से क्लियर हुई और एडिक्शन से फ्री हुई बच्ची जो है कविता, आज उसका भी बर्थडे हम मना रहे हैं यहाँ पर, तो ये बहुत अच्छी बात है। और शांति रतन फाउंडेशन ऐसे अच्छे काम करता रहता है इसलिए हम हमेशा उसके साथ हैं। विंदर बाबा कॉन्ग्रेचुलेशंस, शांति रतन कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिनका बर्थडे है जय हो कृष्ण कन्हैया की जय हो, धन्यवाद। हेलो एवरीवन, आई एम सलोनी एन एडिक्ट एंड आज हम शांति रतन फाउंडेशन में आए हैं कविता का रिकवरी बर्थडे मनाने, जो जिन्होंने एक एक दिन कर 1 ईयर पूरा किया है। एंड ऑल्सो वी आर सेलिब्रेटिंग विद ऑल द पेशेंट्स एंड द फैमिली एंड ऑल द गेस्ट ऑफ SRF द जन्माष्टमी सेलिब्रेशन। देखिए, ये कोई शांति रतन फाउंडेशन के लिए नई बात नहीं है, हर त्यौहार, हर धर्म, हर जगह वो आगे बढ़कर ही काम करता है। पिछली बार हमने आपको बुलाया नहीं, हमने 15 अगस्त भी बनाया था, हमने ईद भी बनाई थी, हम बनाते रहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है शांति रतन फाउंडेशन। क्योंकि देखिए, जब हम एक रिहैबिलिटेशन सेंटर चलाते हैं तो वहाँ पे सब धर्मों के लोग आते हैं और सब धर्मों का आदर करना ये शांति रतन फाउंडेशन का काम है। कविता का रिकवरी बर्थडे आज फर्स्ट रिकवरी बर्थडे। हाँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आज उसके बर्थडे से कि वो बच्ची ने काफ़ी मेहनत की है अपनी इस रिकवरी को पाने के लिए, और उसमें सिर्फ मेरा ही नहीं, बहुत लोगों का हाथ है, मुस्कान का, इंद्रजीत जी का, और भी उसके बीच में कुछ सीनियर्स थे जो यहाँ से चले गए हैं, उनका भी बहुत बड़ा हाथ है उसकी रिकवरी में। और आज उस बच्ची ने ये साबित कर दिया कि अगर नशे से दूर हुआ जा सकता है, उनको उसको ये समझ आई कि उसकी ज़िंदगी कैसे ख़त्म हो गई थी नशों के कारण,
और आज वो एक नए रास्ते पे निकल पड़ी है। करने वाले ऊपर वाले का है सब कुछ, उनका जन्मदिन है, हम बस शिद्दत कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। और आज आपके जो सेंटर में कविता नाम की जो लड़की है उसका भी रिकवरी बर्थडे है, पहला प्रथम रिकवरी बर्थडे मनाया जा रहा है, इसे और आज के दिन जो त्यौहार है उसको क्या संयोग मात्र है या आज का दिन ही चुना गया है इसके लिए? नहीं 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 नहीं, उस बच्ची ने 17 तारीख को अपने एक साल पूरे किए थे, आज का दिन बहुत शुभ है, कृष्ण जी का जन्मदिन भी है, तो हमने सोचा चलो एक ही साथ बच्चे को भगवान का भी आशीर्वाद मिल जाएगा। और बड़ी मेहनत करके उसने एक साल पूरे किए हैं, सबकी बात मानकर बहुत कष्ट झेल करके, इसके लिए हम सबको गर्व है उस पर। जगह जगह धूमधाम से पूरे भारतवर्ष में जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है, यहाँ पर किस तरह से आप लोग सेलिब्रेट करेंगे? हमसे जितना करा जा रहा है हम कर रहे हैं, मतलब कोशिश तो पूरी यही है कि धूमधाम से मनाया जाए, रात को 12 बजे पटाखे और प्रसाद बांटा जाएगा, अच्छे से हवन होगा, पूजा होगी, उनका झूला झुलाया जाएगा, लड्डू लाल। हमने यहाँ पर कृष्ण जी और राधा जी और मीरा जी के कैरेक्टर के कुछ लोग हैं जो रोल प्ले भी तैयार किए हैं, डांसेस होंगे, परफॉर्मेंस होंगी। अच्छा, मेरा सवाल ये है आपसे कि आज तो ये हिंदुओं का त्यौहार है कृष्ण जन्माष्टमी, तो आप मना रहे हैं इसमें, अगर ईद दिवाली के अलावा और क्रिश्चियंस के जो त्यौहार आते हैं तो आपके यहाँ पे हर धर्म के बच्चे आते होंगे यहाँ पे, तो आप क्या सारे धर्मों के त्यौहार मनाते हैं या केवल हिंदू धर्म के ही त्यौहार? बिल्कुल सही बात कही है आपने, हमारे यहाँ हर धर्म के लोग होते हैं और हम हर एक किसी की रिलीजियस भावना की कदर करते हैं, इसलिए शायद ही कोई ऐसा त्यौहार है जो हमारे यहाँ छूटता है, चाहे वो ईद हो, क्रिसमस हो, गुरुपूरब हो, सारे के सारे त्यौहार इतनी ही धूमधाम से मनाए।